नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के बारे में, क्योंकि इसमें काफी पॉजिटिव न्यूज आया है और रिलायंस में पिछले कई दिनों से दो तीन दिनों से तेजी भी देखने मिला है। मतलब जो न्यूज था वो पहले ही रिलायंस के फेवर में आना तय था, इसलिए रिलायंस में आपको पहले से ही तेजी देखने मिला है। और दोस्तों, रिलायंस जो कि आपको काफी बड़ा एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, क्योंकि रिलायंस कंपनी जो है पूरा अपना जाल बिछा रही है। रिलायंस जो हर सेक्टर में अपना कंपनी लाया है, रिटेल में भी है, आप देखिए रिलायंस जियो है, उधर नेटवर्क 18 है, तो आप देखेंगे तो रिलायंस जो हर सेक्टर को कवर कर रहा है, एक और सबकी पैरेंट कंपनी रिलायंस है। तो रिलायंस तो एक बहुत बड़े ग्रुप की पैरेंट कंपनी है, तो आने वाले समय में इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज है। और ये है फ्यूचर ग्रुप के डील से रिलेटेड। जो सेबी है, सेबी ने अप्रूवल दे दिया है रिलायंस को टू एक्वायर फ्यूचर ग्रुप। यहाँ आप देखते हैं फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने का जो सेबी का अप्रूवल वो हो चुका है। अब दिक्कत इसमें क्या है, अभी जो अमेजोन है इसके साथ जो लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने में, क्योंकि अमेजोन चाहता है कि वो एक्वायर करे और रिलायंस इधर एक्वायर करना चाहता है। तो जो यहाँ पर और सारे कई सारे पैरामीटर्स हैं, मतलब हमारे यहाँ और जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी जा सकता है, तो कहीं पे भी अभी कोई भी मतलब इसमें अटकलें आ सकती है, मतलब अमेजोन अटकलें लगा सकता है। तो अभी लेकिन सेबी का जो अप्रूवल, जो हमारे स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, वो अप्रूवल दे चुका है फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने के लिए रिलायंस को। तो दोस्तों, ये न्यूज जो है ये रिलायंस में भी तेजी लाया, साथ साथ फ्यूचर रिटेल में भी तेजी लाया। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप जो फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट करेंगे उससे रिलेटेड, दोस्तों यहाँ रिलायंस एक्वायर कर रहा है, ज़्यादा बेनिफिट्स किसको होने वाला है, रिलायंस को। लेकिन स्टॉक किसका आप बाय करेंगे, फ्यूचर रिटेल का, क्योंकि ये आपको सस्ते पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर रिटेल ये शेयर हुआ करता था आपको अगस्त 2020, मात्र ये अगस्त में 160 रुपीज़ का, और ये आ चुका है 80 रुपीज़ पर। तो दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस डील से फ्यूचर रिटेल को लेना देना है, क्योंकि काफ़ी डेट बर्डन है, डेट जो है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, और ये अपना पूरा डेट भी इस डील से नहीं चुका पा रहा है, क्योंकि जितना डेट है और सारे के सारे जो देनदारी है उसको चुकाने के लिए और ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूचर रिटेल में तेजी 5% का अपर सर्किट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सावधान रहिए, जब जब ये न्यूज़ आएगा इनके फेवर में तब तक तेजी देखने मिलेगा, और जैसे ये प्राइस हायर गया तो जो इसमें ऑपरेटर है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और आप अगर हायर प्राइस में इसमें फंसते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसका अगर 52 वीक लो देखेंगे तो मात्र 60 रुपीज़ का लो है, और अभी शेयर प्राइस 80 रुपीज़ पर ट्रेड करा, और इसमें कई दिन तक अपर सर्किट लगेगा। अपर सर्किट के बाद जैसे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो जो ऑपरेटर वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, आप इसमें उलझे रहेंगे। तो जो यहाँ पर बेनिफिट्स होने वाला है लॉन्ग टर्म में, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का तो बात करते हैं लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म में जो हमारा ग्रोथ है वो किसका होगा, रिलायंस का होगा, क्योंकि इस डील से बेनिफिट किसको होने वाला है, रिलायंस को होने वाला है। तो रिलायंस रिटेल इससे मजबूत होगा, और जो फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर कर रहा है तो इस फ्यूचर ग्रुप का जो पेरेंट कंपनी होगा वो रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, आप इस न्यूज़ को पढ़िए, और हमेशा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर हर सारी न्यूज़ को हम लगातार अपडेट करते हैं, और जो भी क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं वो भी लगातार अपडेट करते हैं, क्वार्टर के रिजल्ट जानना काफ़ी बेहतरीन है। तो रिलायंस का कल जो है 22 जनवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है, तो 22 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा तो हम इसमें एनालाइज करेंगे रिलायंस का आने वाले समय में कैसा ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि इनका जो बिजनेस है अभी पेट्रोलियम कारोबार काफ़ी प्रभावित है, उसके बावजूद अगर रिलायंस अच्छा मतलब रिजल्ट देता, अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रेवेन्यू रिप्रेजेंट करता है, तो निश्चित है कि जैसे पैंडमिक का असर खत्म होगा तो ये और ज़्यादा मतलब रिलायंस अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाएगा। तो आपको जाना चाहिए किसके साथ, मुख्य रूप से रिलायंस के साथ, क्योंकि इस कंपनी को रिलायंस एक्वायर कर ही, तो आपको ग्रोथ किस में मिलेगा, रिलायंस में मिलेगा। तो रिलायंस स्टॉक मेरे पास भी है, और हम इसमें जैसे अगर नीचे आता है रिलायंस तो कभी भी बाय ऑन डिप्स करना है, क्योंकि रिलायंस में काफ़ी ग्रोथ बाकी है, यहाँ से काफ़ी आगे जा सकता है। और ये स्टॉक जो आपको हमेशा के लिए रखने के लिए है, जो आपको हम अच्छे अच्छे स्टॉक बताते हैं ब्लू चिप, जैसे इन्फोसिस, TCS, रिलायंस हो गया, तो ये सारे स्टॉक, एशियन पेंट हो गया, ये सारे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखने वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देंगे। ये स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक जो ये स्टॉक मार्केट को चलाते हैं, स्टॉक मार्केट राजा है, निफ्टी 50 के स्टॉक हैं। तो आपको अगर तेजी से रिटर्न चाहिए तो जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको
स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप मिड कैप जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करना है जब मार्केट काफी नीचे आता है, काफी मार्केट में गिरावट आती है। तो ये न्यूज था रिलायंस से रिलेटेड। अब हम रिलायंस के शेयर के प्राइस की बात करें कि रिलायंस के शेयर प्राइस में क्या लेवल्स और टारगेट होने चाहिए, और जो एक्सपर्ट है वो क्या राय देते हैं रिलायंस के बारे में, आपको किस लेवल पर बाय करना चाहिए, क्या टारगेट हो सकता है। तो सारे लेवल्स और टारगेट को हम जानेंगे रिलायंस के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो इसका मार्केट कैप है वो देख सकते हैं यहाँ पर 13,51,000 करोड़ का, 13,51,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस जो है इसका 2,098 रुपीज़ है, ये पिछले दिन का यहाँ पर प्राइस है, आज प्राइस जो है जंप हो चुका है 2,098 रुपीज़ हो चुका है। अगर 52 वीक लो और हाई की बात करें तो लो है 867 रुपीज़ और हाई बनाया है 2,369 रुपीज़ का, और स्टॉक का पी जो है 32 का है, वही इंडस्ट्री का पी जो है मात्र 8.52 का है। लेकिन रिलायंस को इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि रिलायंस का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, इसमें जो जियो है, रिलायंस रिटेल है, वो आप सारा यहाँ पर एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि ये मिसलेनियस में आता है कि इनका बिजनेस जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है बिजनेस का। प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है 50.5% है और नेट प्रॉफिट करें 40,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है एक साल का रिलायंस का। और डेट की बात करें तो डेट जो कंपनी के ऊपर कुछ नहीं है, डेट अभी धीरे धीरे आपका जब बैलेंस शीट आपका रिन्यू होगा तो ये सारा डेट गायब दिखेगा क्योंकि रिलायंस जो उतना अमाउंट का व्यवस्था कर चुका है जितना इनको डेट चुकाना है। और इसका इन्वेस्टमेंट की बात करें 3,46,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, देख सकते कितनी बड़ी कंपनी है। इतना बड़ा मार्केट कैप अचीव करने में बहुत सारी कंपनियों को कई साल लग जाते हैं, यहाँ तो रिलायंस के पास 3,46,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही है। और रिजर्व की बात करें तो 6,00,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो दोस्तों कभी भी बोनस शेयर आपके लिए दे सकता है रिलायंस क्योंकि रिजर्व काफी ज्यादा है, जब ये यूज करेगा रिजर्व को तो शेयर होल्डर को क्या देगा, बोनस शेयर। अगर वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 10.7% है जो कि काफी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.3% है ये भी काफी कम है। लेकिन जब से जियो है तो इस सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है और जैसे रिलायंस रिटेल भी अब धीरे धीरे काफी तेजी से ग्रो हो रहा है तो ये सारी चीजों में आपको काफी इंप्रूवमेंट आने वाले समय में देखने मिल सकता है। साथ ही साथ डिविडेंड देखिए 0.32% है और फेस वैल्यू 10 का है, तो कभी भी फेस वैल्यू को ब्रेक करता है कंपनी तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स काफी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर कंपनी के रिटर्न की बात करें तो अभी देख लीजिए वन डे में रिटर्न जो है 2.17% की तेजी है क्योंकि फ्यूचर ग्रुप का जो डील है उसके कारण काफी ज्यादा शेयर होल्डर के फेवर में आया है जो भी रिलायंस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि रिलायंस जैसे जैसे कंपनी एक्वायर करती है जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है उतना ही इसके शेयर होल्डर को बेनिफिट्स होने वाला है। वहीं वन वीक की रिटर्न की बात करें 5.69% का रिटर्न है एक सप्ताह में, वन मंथ रिटर्न की बात करें तो एक मंथ में 2.28% का है, वन ईयर में रिटर्न की बात करें वन ईयर में 35% का रिटर्न है। किसी भी टाइम इंटरवल में आप देखें तो रिटर्न आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, फाइव ईयर्स में 321% का रिटर्न, मैक्सिमम ईयर में बात करें तो 3,233% का रिटर्न। तो दोस्तों रिटर्न काफी अच्छा है, जो ब्लू चिप कंपनी है आपको उसमें ऐसा रिटर्न मिलता है तो काफी बेहतरीन है। और जियो के आने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए 2017 से जब से जियो आया है तो रिलायंस का जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ चुका है, साथ ही साथ जैसे जैसे रिटेल कारोबार बढ़ रहा है रिलायंस का तो और ज्यादा आपको इसमें ग्रोथ देखने मिल सकता है आने वाले समय में, तो काफी बेहतरीन है। और वहीं पर अगर हम बात करें एक्सपर्ट का तो एक्सपर्ट का क्यूब है क्या व्यू है तो यहाँ पर देखिए 32 जो एनालिस्ट है उसमें से 63% इसमें जो सजेस्ट कर रहा है कि इन्वेस्टर इस स्टॉक में बाय कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है, आप यहां पर आकर के टिकर टेप पर प्राइस फोरकास्ट को देख सकते हैं, इसमें रेवेन्यू का ग्रोथ कितना होने वाला है सारी चीज़ें आप यहां पर देख सकते हैं। अब टेक्निकल चार्ट पर हम रिलायंस के शेयर की प्राइस की बात करेंगे तो यहां पर कंपनी का शेयर प्राइस जो काफ़ी बार सपोर्ट लिया है 1900 के आसपास, 1900 इसके आसपास के प्राइस रेंज पर काफ़ी बार प्राइस सपोर्ट लिया है और इस वीक जो है प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने मिला, ये 1900 से 2100 तक का जर्नी तय कर चुका है इस सप्ताह। और जो फ्यूचर ग्रुप का डील है जैसे न्यूज काफ़ी फेवर में आया है तो फिर ये हो सकता है मोमेंटम कंटिन्यू रहे, और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है 2400 को क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आपको रिलायंस में देखने मिलेगा। तो दोस्तों रिलायंस जो है पैंडमिक में काफ़ी इसमें गिरावट आया था, आप देख सकते हैं 900 से भी नीचे आ चुका था, वहां से वन साइडेड मोमेंटम ये दिखाया 2400 तक का और वहां से फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया जैसा कि हर स्टॉक में होता है, एक बड़ी रैली आती है, रैली के बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट के बाद अगर उसमें
फिर से अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी के फेवर में हर चीज़ हो रहा है, तो वहाँ से जब ये रैली दिखाता है तो फिर यहाँ से आप देख लीजिए 1001 डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब यहाँ से 2400 को क्रॉस करता है तो यहाँ से फिर ये 1000 ऊपर एक ही मोमेंटम में जा सकता है। जिस तरह से आपने यहाँ देखा हो कि 1000 के प्राइस से डायरेक्ट 2400 तय कर लिया, वहीं यहाँ से अगर क्रॉस करता है 2400 को फिर 3500 वन पे जाएगा यहाँ से ये स्टॉक, इतना पोटेंशियल है इस स्टॉक में। लेकिन दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए 3500 तक पहुँचने के लिए रिलायंस में मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बना रहना चाहिए। अगर मार्केट में गिरावट आती है हमारे स्टॉक मार्केट में तो निश्चित है कि इस स्टॉक में भी गिरावट आएगा। तो और ये स्टॉक अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो हमेशा जो ये स्टॉक इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। वीकली चार्ट पर आपको देखना है, लेकिन थोड़ा सा पहले टेक्निकल चार्ट इसका कमज़ोर हुआ करता था क्योंकि ये बीच में काफ़ी समय तक कंसोलिडेट किया था ये स्टॉक। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ से 2009 से लेकर के यहाँ तक 17 तक ये स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रहा। तो जितना ज़्यादा देर समय तक ये कंसोलिडेट होगा उसके बाद आपको उतना ही बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। और ये कंसोलिडेट हो रहा था देख सकते हैं 400 के प्राइस के आसपास, तो वहाँ से उतना ही बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिला 2400 तक का। तो यही होता है कि स्टॉक जितने लंबे समय तक कंसोलिडेट होगा एक ही प्राइस पर उतना ही लंबा उसका वो मोमेंटम होगा ऊपर की ओर। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए स्टॉक का फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी काफ़ी नेसेसरी है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो जो है आप देखते हैं तो सीधे इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। प्राइस में अगर करेक्शन होता है तो नीचे के लेवल पर बाय ऑन डिप्स करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो SIP करेंगे ऊपर के शेयर के प्राइस पे। तो ये सारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है। आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।